राम की नगरी अयोध्या में पहुंचे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने हिला दी भाजपा की जड़ें। मीडिया से बातचीत करते हुए उठा दी ये बड़ी मांगे। सुनिए चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बातचीत करने के दौरान क्या कुछ बड़ी मांगों को लेकर उठा दिया है और बड़ा बयान दिया। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में, ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया आप मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था, और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए, और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उनपे पावर है, वो करें पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में एक दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें, और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान। आप बताइए नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा। और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर जो अभी निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है, और इसकी जाँच हो और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या में अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा बात यह, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आ गए और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं सर, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं।